परफॉर्म समर टीवी दो चीजें बताते हैं, एक तो टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान कम खेलते हैं, दो तीन मैच खेलते हैं, इससे ज्यादा हमें टूर पे नहीं मिलते जो असल क्रिकेट है, और दूसरा शर्जील का बताते हैं क्या वो सिर्फ डोमेस्टिक खेलेंगे, अब इंटरनेशनल के दरवाजे बंद हो गए हैं या वो खेल सकता है। ये परफॉर्मेंस के ऊपर है जी सबकी, ऑब्वियसली कंपटीशन तो है। सो मैंने पहले भी कहा था सबसे कि कोई भी आउटकास्ट नहीं है सच कि किसी को हमने फिक्स्ड अंदाजे से देखना है। और बाकी जो टेस्ट क्रिकेट है, देखें टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो सारी दुनिया में अंडर प्रेशर है, बहुत कम ऑडियंसेस हैं, ये मां सवाए दो एक मुल्कों के, अब देखें ना इंडिया में भी वो अंडर प्रेशर है, कम लोग आते हैं। सो हमारे यहाँ इसको सही तरह से मैनेज करना है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक अल्टीमेट वॉरफेयर है, इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं होता है, मगर इसको ऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल है। 5 दिन आपको परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू दिखानी है, फिर टीम आपकी तगड़ी हो, फिर पिच बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि सारी दुनिया देख रही है, एंगेजिंग पिच हो। सो इसलिए भी आई थिंक इसको साइडलाइन किया हुआ था। ये पहली दफ़ा हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना ये बम्पर हमारा इंशाल्लाह कैलेंडर है, जहाँ पे इंग्लैंड 3 टेस्ट खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट खेल रहा है, न्यूजीलैंड 2 टेस्ट के लिए आ रहा है। सो जो आपका फिल है ना वो पूरा हो जाएगा जो आप उम्मीदें रखते हैं, मगर इसको स्लॉट करना क्योंकि सारी दुनिया खेल रही है सो मुश्किल हो जाता है। तो जो भी आपको मौका मिलता है ना उसमें, और इसीलिए जो आप बात कर रहे थे ना कि वीकेंड्स पे मैच नहीं और वीकडेज में हो गए, वो यही होता है, हमारी शेड्यूलिंग ऐसी है कि जब भी टीम अवेलेबल हो रही है बस उसी वक्त ओके करते हैं, और फिर कोविड की वजह से क्विक इन एंड क्विक आउट, आजकल टूर्स ऐसे ही चल रहे हैं जी। फिर आप पास्ट में बड़ा एक्सरसाइज करते हो, उसमें एक और चीज जो एलिमेंट है वो 19 और ए टीम जिसको आप शाहिद कहते हैं उसका बड़ा रोल होता है। कुछ टूर्स माजी में तो बड़े कम नजर आए अंडर 19 और ए टीम के लिए, अंडर 19 तो ACC या ICC इवेंट में ही एक्टिव होती थी और शाहिद भी बहुत रेयर ही टूर्स करी थी, तो क्या उनके लिए फ्यूचर में कोई टूर्स प्लान करें? और जब अब क्योंकि क्रिकेट वापस आ गई है, माजी में जब क्रिकेट होती थी रेगुलरली टीम आती थी तो टूर मैचेस होते थे, होस्ट कंट्री हम होते थे, विजिटिंग टीम था, ए टीम का साइड मैच हो गया, तो इन चीजों को रिवाइव करना है, बड़ी टीमें आ रही है तो साइड मैचेस ए टीम के प्लेयर्स को डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को मिले। नहीं, अच्छा सवाल है फैजान, इसलिए कि अभी हमारी ए टीम गई हुई थी श्रीलंका, मगर हम एशिया में खो के रह गए हुए हैं। होता ये है कि वो एक रिटर्न विजिट उनको भी करना होता है, सो इसका प्रोसेस ये है। सो रिटर्न विजिट के लिए फिर वो थोड़े से कतराते हैं, जैसे कि सिचुएशन अभी फैसल ने बताई थी, वो एक परसेप्शन है, वो क्लियर होगा, और वो तभी होगा जब ये हम हमारे प्रोडक्ट में और हमारे आइडियाज़ में इमोशनली इन्वेस्ट करेंगे। जो मैंने ख़त लिखा था ICC के चेयरमैन को जब ये न्यूजीलैंड का पुल आउट हुआ था और इंग्लैंड का, तो उसका जो 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 एक क्रक्स था वो यही था कि जब तक कि आप हमें क्लोजली समझेंगे नहीं एज अ क्रिकेट नेशन, तब तक ICC के जो 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 मकासद हैं वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग एक आर्म है ऑफ द क्रिकेट फ्रेटर्निटी। सो आगे चल के ज़रूर जोर लगाएंगे कि अगर हमारा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का टूर है तो पहले ए टीम जाके खेले और फिर पाकिस्तान टीम जाए, जैसा कि नॉर्मली होता है, और ये मतलब है ये शारग है हमारी क्रिकेट की ग्रोथ के लिए जो ए टूर्स के हैं। सो हम 5वें की जब बात करते हैं तो इसी में वो शामिल होते हैं।